अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस राबिया हियर। इन दिस वीडियो यू विल लर्न यूनिट 3 हिस्ट्री ऑफ ट्रेन्स ऑन पेज नंबर 43। लेट्स स्टार्ट। रीड द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स एंड ट्रेन्स। द पिक्चर्स रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन ऑफ ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। राइट द करेक्ट नेम ऑफ ईच इंजन ट्रेन अंडर इट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ ट्रेन्स और इंजन्स के नेम दिए गए हैं, मैंशन किए गए हैं, और उसके नीचे कुछ ट्रेन्स और इंजन्स की पिक्चर्स शो की गई हैं। ये कह रहे हैं कि नेम्स को रीड आउट करें और करेक्ट नेम इन इंजन्स और ट्रेन्स के जो करेक्ट नेम्स हैं वो उनके सामने लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड आउट द नेम्स ऑफ इंजन्स एंड ट्रेन्स। नंबर वन, स्टीम लोकोमोटिव। फर्स्ट, रेलवे। लग्जरी ट्रेन, बुलेट ट्रेन। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, डीजल लोकोमोटिव। फर्स्ट वाली पिक्चर को देखें, दिस इज़ स्टीम लोकोमोटिव। सेकेंड वन इज़ फर्स्ट रेलवे। थर्ड वन इज़ लग्जरी ट्रेन। फोर्थ वन इज़ बुलेट ट्रेन। फिफ्थ वन इज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। एंड द लास्ट वन इज़ डीजल लोकोमोटिव। नाउ मूव ऑन पेज 44। फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। यू हैव टू अंडरलाइन एंड you have to write the meanings in Urdu on your book. Let's start. Revolution, inqilab. Locomotive, khenchne wala engine. Freight, mal brother. Fear, khauf zada hona. Shaken, hilna. Breathe, saans lena. Unconscious, behosh. Vibration, thar-thrahat. The birth of railroads brought a revolution in the world of transport. रेलवे के जन्म ने नकलो हमल की दुनिया में एक इनकलाब बरपा कर दिया। Trains have been a popular form of transportation since the beginning of the 19th century. कि 19वीं सदी के आगाज से ही ट्रेनें नकलो हमल की एक मकबूल शक्ल रहीं। When in 1803 The first steam locomotive was built by Richard Trevithick, a British mining engineer. It changed the world. कि जब 1803 में पहला भाप से चलने वाला इंजन, जो कि एक बरतानवी कानकुन इंजीनियर ने, जिसका नाम था रिचर्ड ट्रेविथिक, उसने बनाया था और उसने दुनिया को बदल दिया। At first steam powered locomotive pulled freight cars full of coal and later passenger cars full of people. कि इस पहले भाप से चलने वाले इंजन ने कोयले से भरी पहले माल ब्रादर कारें और बाद में लोगों से भरी मुसाफिर कारें जो हैं वो खींची। इस इंजन की बात हो रही है, ठीक है, लोकोमोटिव। इन द बिगिनिंग पीपल वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन ट्रेन। कि शुरू में ट्रेन में सफ़र करने से लोग खौफज़दा थे, घबराते थे। दे फियर्ड दैट दे वुड बी शेकन अनकॉन्शियस बाय द वाइब्रेशन और वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ ड्यू टू स्पीड। शुरू शुरू में लोग ट्रेन में सफ़र करने से डरते थे। उन्हें ये खदशा था कि वो थरथराहट से बेहोश हो जाएंगे या तेज़ रफ्तार की वजह से सांस नहीं ले सकेंगे। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। पैसेंजर, मुसाफिर। चीपर, सस्ता। गुड्स, सामान। ट्रैक्स, रास्ते या रेल की पटरी। स्प्रैंग अप, अचानक नमोदार होना। लग्जरीज, सहूलियात वाला। कंफर्ट, आरामदेह। प्लश का मतलब भी आरामदेह है। कंपार्टमेंट्स, जगह। चॉक्ड, घुटन सदा होना। बीनीथ, नीचे। फ्लॉक्ड अप, दौड़े चले आना। टेक ओवर, जगह लेना। इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाली। Underline all these words on your book and write their meanings in Urdu. By the 1850s, the passenger trains were traveling at unthinkable speed of 80 kilometer hour or more. के 1850 की दहाई तक मुसाफिर ट्रेनें 80 किलोमीटर फी घंटा या उससे ज़्यादा की नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से सफ़र कर रही थी। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेल ट्रेवल्स बिकेम चीपर एंड सिटीज़ दैट हैड वंस सीम्ड फॉर अ पार्ट सडनली फेल्ट मच क्लोजर टुगेदर।
because people and goods could move between them in hours rather than days. रेल का सफ़र सस्ता हो गया और शहर जो कभी दूर नज़र आते थे अचानक एक दूसरे के बहुत करीब महसूस होने लगे. क्यों? क्योंकि लोग और सामान उनके दरमियान दिनों की बजाय घंटों में पहुंचने लगा या मुंतकिल होने लगा. पीपल स्टार्टेड लिविंग नियर द ट्रैक्स एंड न्यू टाउन्स स्प्रैंग अप बिसाइड द ट्रैक्स. लोग पटरियों के करीब रहने लगे और पटरियों के पास नए शहर आबाद हो गए. When the popularity of train travel, more luxuries were offered. ट्रेन के सफ़र की मकबूलियत के साथ साथ मज़ीद आसाइशें भी पेश की गईं. Soon the idea of luxury trains was born. कि जल्द ही लग्जरी ट्रेनों का ख्याल जो है वो पैदा हुआ. Railroad companions realized that the more comfort they offered, the more people will be attracted and they could charge more. जी, रेल रोड कंपनियों ने महसूस किया कि जितना ज़्यादा आराम की पेशकश करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे. यानी कि जितनी लग्जरीज़ वो प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, मुसाफिरों से ज़्यादा पैसे लेंगे और फिर ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे. सम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स वर ट्रूली लग्जरियस विथ प्लश सीट्स, प्राइवेट स्लीपिंग कंपार्टमेंट्स एंड रेस्टोरेंट्स कार फॉर फाइन डाइनिंग. कुछ लंबे सफ़र वाली ट्रेनें वाकई बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी, यानी कि आरामदेह थीं, जिनमें आलीशान सीट्स थीं, प्राइवेट सोने के कमरे और उम्दा खानों के लिए रेस्टोरेंट्स की कारें थीं. डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंटर्ड द ट्रेन सर्विस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन. डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन पहली जंग अजीम के बाद ट्रेन सर्विस में शामिल हुए. टुगेदर दे ग्रेजुअली ब्रॉट द एज ऑफ स्टीम ट्रेन्स टू एन एंड. कि एक साथ मिलकर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो भाप वाली ट्रेनें थीं उनके दौर को ख़त्म कर दिया. डीजल लोकोमोटिव्स वर जनरली मोर पावरफुल देन द स्टीम लोकोमोटिव्स दैट केम बिफोर देम. कि डीजल इंजन आमतौर पर भाप पहले आने वाले इंजनों से ज़्यादा ताकतवर थे. यानी कि जो डीजल इंजन थे जो बाद में आए थे, पहले भाप वाले इंजन थे, स्टीम इंजन थे, तो स्टीम वाले इंजन की निस्बत जो डीजल वाले इंजन थे वो ज़्यादा पावरफुल थे. एज सिटीज़ ग्रीव लार्जर द स्ट्रीट्स बिकेम चॉक्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जांपल हॉर्स ड्रिवन कैरेजेस, बसेस एंड स्ट्रीट कार्स. जैसे जैसे शहर बड़े होते गए उनकी सड़कें भी मुख्तलिफ किस्म के नकलो हमल से भरने लगीं. मिसाल के तौर पर घोड़ों से चलने वाली गाड़ियाँ, बसें और स्ट्रीट कार्स जो हैं वो चलने लगी. द इंजीनियर्स इन लंदन केम अप विद द आइडिया ऑफ अंडरग्राउंड रेल टू ईज द प्रॉब्लम. कि लंदन में इंजीनियर्स ने इस मसले पर काबू पाने के लिए ज़ेर ज़मीन रेलों का तसव्वुर जो है वो पेश किया, आइडिया पेश किया. हैंस आर रेलवे बस बिल्ट बीनीथ द सिटीज स्ट्रीट. इसलिए शहर की सड़कों के नीचे एक रेल गाड़ी बनाई गई. It opened up in 1863 and was named as the Metropolitan. ये 1863 में मुतारिफ हुई और इसका नाम the Metropolitan था. It was the world's first underground railway और ये दुनिया की सबसे पहली ज़ेर ज़मीन रेलवे थी. People flocked to use it. लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए दौड़े आए. Even though the smoke from the steam locomotives made it smelly and dirty. हालांकि भाप के इंजनों के धुएं ने इसे बदबूदार और गंदा कर दिया था. The idea of underground railway was welcomed by the world and soon other major cities around the world were building their own underground railways. ज़ेर ज़मीन रेलवे का ख्याल दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में भी फैल गया. दूसरे बड़े शहर भी ज़ेर ज़मीन रेलवे तामीर करने लगे. स्टीम इंजन्स वर ग्रेजुअली रिमूव्ड एज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स टुक ओवर.
और भाप के इंजनों को हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और इलेक्ट्रिक इंजनों ने उनकी जगह ले ली। द पेरिस मेट्रो ओपन्ड इन 1900 एंड द न्यूयॉर्क सबवे इन 1905 बोथ वर इलेक्ट्रिक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पेरिस मेट्रो ने 1900 में ये खुली, पेरिस मेट्रो और न्यूयॉर्क सबवेज 1905 में, दोनों शुरू ही से बिजली से चलने वाली थी। नाउ लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्ड्स मीनिंग्स। कैरी ले जाना, डेस्टिनेशन मंजिल, लेस कम, बुलेट गोली, कैपेबल कुछ करने के काबिल होना, पॉपुलर मकबूल, परफॉर्मेंस कारकर्दगी, ट्रैवल सफ़र करना। टुडे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर कैरिंग मिलियंस ऑफ पीपल एवरी डे टू देयर डेस्टिनेशंस इन लेस टाइम। कि आज जो बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं रोज़ाना लाखों लोगों को कम वक्त में उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। जापान्स बुलेट ट्रेन बिगेन रनिंग इन 1964, नेम्ड आफ्टर देयर बुलेट शेप्ड नोजेस, देयर 12 कार ट्रेन्स वर द वर्ल्ड फास्टेस्ट, कैपेबल ऑफ गोइंग अप टू 210 किलोमीटर पर आवर। हाई स्पीड ट्रेन्स are very popular in many countries for their high speed performance and quality of travel. जी गोलियों की शक्ल वाली नाक के, यानी जिनका नाम गोलियों की शक्ल वाली नाक जैसी ट्रेन था, ठीक है। 12 कारों वाली ट्रेनें दुनिया की तेज तरीन ट्रेनें थीं जो 210 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत जो है वो रखती थी। और ये तेज़ रफ़्तार ट्रेनें अपनी तेज़ रफ़्तार कारकर्दगी और सफ़र के मेयार की वजह से बहुत ज़्यादा मुमालिक में मशहूर थी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रांसलेशन।